हाँ तो हाँ ही है बेसिकली। अभी गाड़ी में क्रूज नहीं था तो मेरी कोशिश थी कि क्रूज लग जाए किसी तरीके से, तो मैं फिर सर से कॉन्टैक्ट हुआ और थोड़ा डिस्कशन हुआ कि पेट्रोल वर्जन के लिए भी कुछ कीजिए। तो आई एम रियली हैप्पी कि इन्होंने इसके साथ आए प्रोडक्ट के साथ, और ये बहुत लोगों को हेल्प करेगा फ्यूचर में जो क्रूज लगवाना चाहते हैं, जिनके पास क्रूज नहीं है और वो उस कम्फर्ट को मिस कर रहे हैं। एंड आई एम रियली लाइक दिस फीचर। अभी मैं क्रूज को ड्राइव कर रहा हूँ एंड बहुत ईजी है ड्राइविंग इस पर बेसिकली। अब यहाँ से आप स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं इसकी, वी कैन इंक्रीज द स्पीड। आइए दोस्तों, आज बारी है नेक्स्ट क्रूज लगाने की, अब तक की सबसे ज़्यादा एंटीसिपेटेड कार के ऊपर। इसके लिए हमारे पास में मैक्सिमम नंबर ऑफ इंक्वायरीज आ रखी हैं, और अगर ये वीडियो देखने के बाद में आपको भी इस कार में नेक्स्ट क्रूज लगाना है तो तुरंत विजिट करो aha.store/nextcruise और आपका ऑर्डर हमको भेज दो, अभी इसकी आपको इमीडिएट डिलीवरी मिल जाएगी। और अगर आपके पास कोई दूसरी कार है तो आपकी बुकिंग हमको उसी पेज पे, नीचे एक लिंक है उसके अंदर आप डाल दीजिए और आपको आपकी कार में नेक्स्ट क्रूज ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं वीडियो पे। तो दोस्तों आज हमारे पास में विशाल जी जो गुड़गांव से आए हैं, ये उनकी कार है। आइए पहले तो हम इनकी कार का एक क्लोज विज़िट करते हैं, वहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हमने ऑलरेडी नेक्स्ट क्रूज इंस्टॉल कर दिया है, तो इसके बारे में आइए आपको थोड़ा दिखाते हैं। तो ये जो कार है ये पेट्रोल वर्जन है और ऑटोमेटिक गाड़ी है, और ये जो मॉडल है ये अभी लेटेस्ट से एक पहले वाला मॉडल है, ईयर एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है। एंड अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग सही है तो एग्जैक्टली इस तरीके से टाटा की सारी गाड़ियां जो नेक्सॉन है, टियागो है और अल्ट्रोज है, सब नेक्स्ट क्रूज से कवर इजीली हो जानी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्रूज इसमें लग चुका है और सक्सेसफुली हमने बिल्कुल टेस्ट कर लिया है, तो टाटा की सारी गाड़ियों में ये कवर हो जाएगा। तो अब इसमें आप यहाँ देखिए, ये बड़ा क्लीनली लगा है। खैर नेक्सॉन का जो जन्म हुआ था वो भी नेक्सॉन ईवी से ही हुआ था, तो फिर ऑफकोर्स इसका जो इंस्टॉलेशन की जगह है वो इसके नीचे है। बहुत ही क्लीन इंस्टॉलेशन है, कहीं कुछ सामने बाहर कुछ पता ही नहीं चलता है। और ये जो डायल है, डायल के लिए भी नेक्सॉन ईवी में इस जगह पर एक कभी होल होता है, तो हमने ये जगह यूज़ की थी, लेकिन हमने यहाँ पर इस शटर का जो एरिया है ये यूज़ किया है। इससे शटर थोड़ा सा कम खुलता है, लेकिन फिर इसको खोल के हम वही एक्सेस पा सकते हैं। तो डायल की ये जगह यहाँ पर ये काफ़ी कन्वीनियंट है, आराम से दो हाथों से आप एक राइट हैंड स्टीयरिंग पर रख सकते हैं और लेफ्ट हैंड से आपका जो हाथ है वो क्रूज़ कंट्रोल और गियर सिलेक्टर, हैंड ब्रेक, इन सब कामों में यूज़ हो सकता है। तो बहुत कंफर्टेबल, कन्वीनियंट, और नेक्सॉन तो हमारी पर्सनल फेवरेट भी है, तो इसके तो क्या कहने। तो विशाल जी, आपकी डेली ड्राइविंग कितनी होती है या मंथली ड्राइविंग क्या रहती है? बेसिकली डेली 50-60 किलोमीटर ड्राइव हो जाता है, और ओकेजनली तो ज़्यादा रहता है, थोड़ा हाईवे ड्राइविंग भी है, तो इसीलिए चाहते थे कि क्रूज कंट्रोल आ जाए कार में, जो कि इनिशली टाटा ने नहीं दिया था। आई वॉज आफ्टर दिस, तो मैंने आपको ढूंढा क्रूज के लिए एंड यू सॉर्टेड दिस वेरी फाइनली। आप बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, ये सिटी मोड भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, परफेक्ट, और अभी डिसंगेज भी हो रहा है एंड लॉन्ग प्रेस में भी ये वापस पिकअप अच्छा कर रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा है सिटी मोड में? हाँ, सिटी मोड में अच्छा रिस्पॉन्स है इसका, सिटी और स्पोर्ट्स में बेस्ट, सिटी में अच्छा है, स्पोर्ट्स में बेस्ट है। इको तो फिर इको ही मोड है बेसिकली, तो वो तो थोड़ा स्लो ही रिस्पॉन्ड करता है, लेकिन स्लो एंड सेफ है, तो वो इको मोड में भी
अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। दिस इज द एडवांटेज ऑफ क्रूज, अब आप किसी स्लो ट्रैफिक के पीछे भी हैं तो यू डोंट हैव टू वरी, आप एक एवरेज स्पीड पे क्रूज कर रहे हैं स्लो ट्रैफिक में भी, तो ये स्लो ट्रैफिक में हेल्प करता है, ये सिटी ट्रैफिक में भी हेल्प करता है, तो इट्स जस्ट आप इसको यूज कैसे करते हैं। और क्रूज से माइलेज में फर्क पड़ता है? हाँ जी डेफिनेटली, जब गाड़ी एक स्पीड पे रहती है कॉन्टिन्यूसली तो माइलेज भी बेटर ही करती है क्रूज पे, और लॉन्गर रन में तो काफ़ी फर्क पड़ेगा हाईवे पे। रैश ड्राइवर है तो उसको बहुत बेनिफिट मिलता है, मतलब क्योंकि एक तो ना गेमिफिकेशन ऑफ ड्राइविंग हो जाता है इसमें, सीधा सीधा मतलब रिजल्ट नज़र आता है, तो मन करता है कि अच्छे से ड्राइव करें। आई वुड स्टिल से कि आप सेफली ड्राइव करें और एक एवरेज स्पीड पे ड्राइव करें टू गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आफ्टर क्रूज कंट्रोल ऑफ कार, और अगर आप बिटवीन 80-90 ड्राइव करेंगे तो ऑब्वियसली बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी कार की और विद द माइलेज एंड विद मोर कंट्रोल। तो आई वुड से रोड सेफ्टी का भी ध्यान रखें और क्रूज करें एक नॉर्मल हाईवे स्पीड के हिसाब से। 19 टॉप मॉडल गाड़ी है और इसमें तब क्रूज नहीं दिया गया था, इसके बाद जो मॉडल फॉलो हुआ था उसमें क्रूज कंट्रोल आया था। अच्छा 19 का मॉडल है ये? हाँ जी। तो इसमें अनफॉर्चुनेटली टाटा मिस कर गया था क्रूज को, विच वॉज वेरी मच नीडेड, इन आर डिमांड है क्रूज अब कार्स के लिए, रोड्स बहुत अच्छे हो गए हैं, फ्यूल एफिशिएंसी भी अच्छी आती है। ये ना अभी एक गलत फहमी है कि क्रूज कंट्रोल एक लग्जरी फीचर है। क्रूज कंट्रोल एक बहुत बेसिक फीचर है, अभी कार्स नहीं देते, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने बहुत अच्छा किया है कि थोड़े इस मार्केट को शेक किया है और फीचर्स ला रहे हैं, टाटा है और महिंद्रा है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, एक्स्ट्रा फीचर्स दे रहे हैं जो कि इंटरनेशनल कंपटीटर्स को भी कंपेयर कर रहे हैं कि उनको फीचर्स देने चाहिए इंडियंस को, इंडिया नीड फीचर्स। तो फ्रेंड्स विशाल जी डायल ड्राइविंग का आनंद लेते हुए ये एक हमने कुछ दिन से ये नेक्स्ट क्रूज कम्युनिटी का एक टर्मिनोलॉजी बना हुआ है, तो बेसिकली डायल ड्राइविंग का ये मतलब है, अनऑफिशियल टर्म है, लेकिन डायल ड्राइविंग मतलब आप एक्सेलरेटर से तो पैर हटा के रखो और डायल को घुमा के प्लस माइनस घुमा के गाड़ी को। वन मोर थिंग जो मेरे लिए सबसे यूजफुल रहेगा ये, क्योंकि अब क्या है कि सिटीज में सब जगह लिमिटर हो गए हैं, अब सब जगह लिमिट्स है 60-70-50 सब लिमिट्स है, राइट? तो ये फीचर बहुत डायल ड्राइविंग जो है ये बहुत अच्छा हेल्पफुल होगा कि सेट करके आप इसको कंट्रोल करके सिटी में भी कार आराम से चला सकते हैं विद इन द लिमिट्स, माने आप 50 पे क्रूज करना चाहते हैं तो 45 पर रख के आप इजीली कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं डिक्रीज कर सकते हैं, तो फिर भी ये क्रूज ऑपरेट हो सकता है सिटी में, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वर्केबल लेकिन सेंसिबल तरीके से। और डायल ड्राइविंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि मेरा फीट ब्रेक पे नहीं है, पर आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई स्पीड, आगे एक हैवी व्हीकल चल रहा है वो स्लो डाउन हो रहा है तो मैं डायल से इसको स्लो कर रहा हूँ, एंड आई एम कीपिंग अ सेफ डिस्टेंस। ओके एंड व्हीकल एंड कार इज रिस्पॉन्डिंग एज नीडेड, वेरी फाइन, और थोड़ा मुझे लग रहा था कि डिस्टेंस ज़्यादा हो गया तो मैं हल्का सा उसको बढ़ा रहा हूँ स्लाइटली, नाउ यू कैन रिड्यूस द स्पीड एज द ट्रैफिक इज रिड्यूसिंग द स्पीड इन फ्रंट। दिस इज डोंट हैव टू अप्लाई ब्रेक्स, यू नीड टू बी, दिस इज परफेक्ट एनर्जी एफिशिएंट ड्राइविंग। डिस्टेंस देखिए ड्राइव कीजिए और डायल से आप ड्राइव कर सकते हैं इजीली, व्हिच इज अ वेरी गुड फीचर इन लोकल कंडीशंस में। और अभी आप देख सकते हैं मैंने ब्रेक पे तो अभी कुछ यूज ही नहीं किया है, सिर्फ ये जो स्पीड एक्सीलरेशन मैनेज हो रहा है डायल से मैनेज हो रहा है। स्टिल मैंने ब्रेक यूज नहीं किया है, चलिए डायल से कंट्रोल हो रहा है, तो इट्स वर्किंग फाइन एट द मोमेंट। ओके सो यू आर एबल टू नेविगेट एंड थ्रॉटल एज नीडेड। हाँ अब इसमें हम बढ़ा के परफेक्टली एक्सलेट करके वापस वी कैन ओवरटेक द व्हीकल एंड कम आउट टू द सेम स्पीड अगेन, इट्स अ वेरी गुड फीचर। So that is it friends, all thanks to Vishal ji, abhi next cruise next one ke liye bhi ready hai aur aaj humne din bhar iska pura acche se isko use kiya hai, test kiya hai, aur if you've been waiting for this moment to place your order for the next cruise for your next one of whatever year whatever model everything is supported, so you can go ahead
एंड वी थैंक यू फॉर बीइंग देयर. ऐसे ही आपका साथ बनाए रखिएगा. गुड बाय फ्रॉम टीम आहा. गुड लक आहा.